मथुरा की थाना गोवर्धन पुलिस ने 2 मार्च को मथुरा अलवर रेल ट्रैक पर मिले युवक के शव के मामले में उसकी हत्या होने का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार युवक की हत्या उसकी पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी और वारदात को एक हादसा दिखाने के लिए उसके शव को रेल ट्रैक पर फेंक दिया था। पुलिस की हिरासत में खड़ा यह आरोपी शिवराम है, जो नीम गांव के रहने वाले देशराज की हत्या का आरोपी है। वो तो सर मर गया है, तो अंतिम मंदिर है, लोग गए तो कर दी गए। और आपके साथ में अवैध संबंध थे आपके, किस तरीके से मारा था सर? उस औरत ने पीछे से मार दी, मैं उस लड़के से बता रहा था सर, उस औरत ने पीछे से स्टिक मार दी। तुमने जाकर के बॉडी को रखा रेलवे लाइन पर, इसलिए षड्यंत्र बनाया कि आत्महत्या लगे सर? जो औरत ये जानती है तो तुम पर कोई आरोप नहीं आया, तुम्हें बता दें। 1 तारीख की घटना थी नीम गांव की, जिसमें कि एक डेड बॉडी रेलवे पटरी पर पड़ी हुई मिली थी, जिसकी कि शिनाख्त बाद में हुई कि नीम गांव का ही वहीं का लड़का था। तो पहले तो कोशिश ये की गई कि इसमें इस हत्या को आत्महत्या में परिणित करने की कोशिश की गई इन लोगों के द्वारा, लेकिन जब उसका मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा कायम के बाद जब हम लोग उसमें अंदर गहराई से उसकी तफ्तीश की, तो उसमें तथ्य प्रकाश में आए कि जो मृतक है देशराज, उसकी पत्नी थी उषा। उषा के जो संबंध थे गांव के ही अपने ये घर परिवार का ही लड़का है ये शिवराम, सन ऑफ रमजू, इससे साथ उसके अवैध संबंध थे। और इन संबंधों के तहत ही इन लोगों ने मिलकर के, उषा और ये शिवराम, इन लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उन्हें जब एहसास हुआ कि इसको कहाँ छिपाया जाए, बॉडी को क्या किया जाए, तब इन लोगों ने अपने ही घर परिवार के 2-3 लड़के हैं, जो कि जीतू सन ऑफ शिवली, सोनू सन ऑफ सिर्रो, और ये एक नानक चंद सन ऑफ निरोती, इसके अलावा एक और है जीतू सन ऑफ कमल करके, ये भी नाम प्रकाश में आया है। तो इसमें इन लोगों के नाम आए हैं प्रकाश में, जो कि और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कि उस बॉडी को पुणे जाकर रेल पटरी पर रख करके उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। तो उसमें से ये शिवराम पकड़ा गया है, इसने अपना जुर्म स्वीकार किया है, और इस बात का आगे प्रयास किया जाएगा, जो भी भागे हुए लोग हैं, वांछित लोग जो भी इसमें नामदर्ज हैं, प्रकाश में आए, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके उनको भी जेल भेजा जाए। मथुरा से इनसाइट न्यूज़ के लिए जय सरस्वत की रिपोर्ट।